हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल अभिनय व्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कार की बैटरी को कैसे चेंज कर सकते हैं एक न्यू बैटरी के साथ। अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो पुरानी वाली बैटरी है जो वो ख़राब है, तो उसको हम निकाल रहे हैं और निकालने के बाद नई बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल की जाएगी। ये जो कार है ये है मारुति की ब्रीज़ा, जिसकी हम बैटरी चेंज कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इसके अंदर लगी हुई है अभी एक्साइड की बैटरी जो कि है DIN 50। DIN 50 का मतलब ये होता है कि जो पोल्स हैं आप देख सकते हैं कि वो जो पोल्स हैं बैटरी के वो नीचे हैं, तो इसलिए इसको डिन रेंज की बैटरी बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके नीचे जो पत्ती लगी हो इसको खोलना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले जो है पत्ती आती थी, पत्ती खोलने के बाद आप देख सकते हैं नीचे जो ये नट है उसमें प्रॉपरली जो कार्बन है वो जंग लगने से वो खुल नहीं रहा है। उसको अभी हम खोलेंगे पानी वगैरह डालकर। हमेशा जब भी आप बैटरी चेंज करो आपको सबसे पहले नेगेटिव वायर को ओपन करना है, उसके बाद आपने पॉजिटिव वायर ओपन करनी है। पहले आपको पॉजिटिव वायर नहीं खोलनी है, पहले नेगेटिव वायर खोलनी है बैटरी को आपको निकालते हुए। और जब हम बैटरी को लगाएंगे तो उस टाइम हम पहले उसका वॉइस ओवरसा कर देंगे। आप देख सकते हैं पहले नेगेटिव वायर निकाली है, देन पॉजिटिव वायर निकाली है। फ्रेंड्स, अभी हम पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर और पानी हम इसीलिए डाल रहे हैं ताकि जो कार्बन है वो प्रॉपरली निकल जाए, जिससे कि जो नट है वो लूज़ हो जाए और हमारा जो नट है वो ईजीली खुल जाए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी जो वीडियोस हैं वो आपको हमेशा मिल सके। तो आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि पानी डालते ही जो नट है वो टूट गया है, मींस खुल गया है। तो कार्बन ज़्यादा था और रस्ट भी बहुत था, जिससे कि जो नट है वो गल चुका था और वो टूट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एक साइड लेफ्ट साइड में आपकी है पुरानी बैटरी एक साइड की और एक साइड है आपकी नई बैटरी एक साइड की। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो ये है DIN 50, मींस 50 एम्पेयर आवर की बैटरी है। और DIN मींस जो इसके पोल्स हैं वो बैटरी से नीचे हैं, आप देख सकते हैं दोनों ही पोल्स बैटरी से नीचे हैं, तो इसका मतलब ये DIN रेंज की बैटरी है। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली है आपकी 4500 रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग है विद ओल्ड रिटर्न, मींस एक्सचेंज के बाद आपको ये इतने की पड़ती है। ये है ब्रीज़ा डीजल, डीज़ल की गाड़ी है इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी लगी हुई है। अगर वही मैं आपको अगर पेट्रोल गाड़ियों की बात करूँ तो मेजरली वो 35 AH की बैटरी उसके अंदर लगती है। आप देख सकते हैं अब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और ऊपर जो इस ये पत्ती लगी हुई है ये इसीलिए लगी हुई है ताकि जो बैटरी है वो हिले नहीं कहीं पर भी, इफ़ इन केस जब हम ड्राइव कर रहे हैं और जर्क जब लगता है तो बैटरी हिले नहीं, अपनी ही पोजिशन पर सेट रहे। तो इसीलिए साथ में पत्ती दी जाती है कंपनी के थ्रू जिसको हम अभी टाइट कर रहे हैं। ये नीचे से थोड़ा एल शेप में पत्ती होती है जिसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। आप ये अपनी कार में ज़रूर चेक कर लें कि आपने इसको टाइट किया हुआ या नहीं किया हुआ, वरना बैटरी अगर इधर उधर मूव करती है और टूट जाती है, फिज़िकली डैमेज हो जाती है, तो उसकी वारंटी नहीं मिलती है कंपनी के साथ। आप देख सकते हैं अब हमने लगाया पॉजिटिव वायर, हमने पहले लगाया इंस्टॉल करते हुए, और जब हमने बैटरी खोली थी तो पहले हमने नेगेटिव वायर खोली थी। अब हम इंस्टॉल करते हुए पहले लगाएंगे पॉजिटिव वायर। अगर मैं इसका रीज़न की बात करूं तो इसका रीज़न ये है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो जो आपकी सेटिंग होती है ECM के थ्रू वो मिट सकती है, मतलब कि वो उड़ जाएगी और थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो ECM के थ्रू उसकी कोडिंग हो रखी है। तो अब आप देख सकते हैं अब हमने नेगेटिव वायर लगा रहे हैं पॉजिटिव के बाद। इसको आपको प्रॉपरली टाइट करना है, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी हम इसको टाइट कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है 10 नंबर का जो आपकी चाबी होती है उससे बेसिकली टाइट किया जाता है, जो कि आप खुद भी अपनी कार के चेक कर सकते हैं। ये है एक्साइड की बैटरी जिसकी वारंटी है 4 ईयर्स। अब हम बेसिकली इसकी चेक करेंगे कि बैटरी लगाने के बाद जो आउटपुट आ रहा है अल्टरनेटर के थ्रू वो आ रहा है या नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो अभी आप देख सकते हैं बैटरी की वोल्टेज है 12 वोल्टेज है और जनरली जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं गाड़ी के स्टार्ट होते ही ये जो चार्जिंग है वो बढ़ रही है, और बढ़ने का रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ
कि गाड़ी में जो अल्टरनेटर लगा होता है जिसका काम होता है आपकी बैटरी को चार्ज करना, बेसिकली हम उसको चेक कर रहे हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अब ये बढ़ने लगा है तो इट मीन्स कि वो काम कर रहा है, कार जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है और अल्टरनेटर भी काम कर रहा है और बैटरी चार्ज हो रही है। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस प्रॉपरली मिल पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।